हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी मस्त और जबरदस्त है। और आज मेरा जो प्यारा सा भाई है, गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग। तू जादू का वो है क्या? जादू वो लगता है बर्फ पड़ने वाली है। पड़ी रही है बाहर देख। और आज जो नाश्ता बना रहा है वो बना रहा है हमारा भाई। क्या बन रहा है आज? मैगी के पकौड़े। ओ बेटा, आज हम खाएंगे मैगी के पकौड़े। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। और बाहर का मौसम हो रहा है बहुत ठंडा, बहुत 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 ज्यादा ठंडा। बाकी आज का कुछ प्रोग्राम ऐसा है, मुझे जाना है एक तो अपने कॉलेज और दूसरा अपने एक फ्रेंड से मिलने। मैं और मम्मी निकल पड़े हैं मेरी फ्रेंड के घर के लिए और उसकी शादी के बाद अब मैं उससे पहली बार मिल रही हूँ। अब तो उसका बेबी भी हो गया है इसलिए वो मुझे ज्यादा मन है उससे मिलने का, नहीं तो पहले मैं उसको बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी। देखते हैं वहाँ जाके मैं ब्लॉग शूट कर पाती नहीं कर पाती, क्योंकि मैं खुद नर्वस हो जाती हूँ। अतुल साथ में होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब वो नहीं होते तो मुझे बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को पता है मैं उससे मिल रही हूँ, मतलब अपनी शादी के बाद। मेरी उसके साथ बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं, बहुत ही ज़्यादा। पर अब यही है ना कि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। उसकी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, मैं दिल्ली से बाहर चली गई, तो फिर मिलना बहुत कम हो पाता है। बट जो प्यार है वो प्यार है आखिर। उसने मेरे हर चीज़ मेरा साथ दिया, चाहे मेरे वो अच्छा टाइम था चाहे वो मेरा बुरा टाइम था, हर चीज़। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उसका नाम अभी तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? सोचो क्योंकि उसका नाम है चुड़ैल। उफ शिवानी, देखो मम्मी को कैसे गुस्सा आया जैसे मैंने चुड़ैल बोला। तो वो तो है ही, मेरी तो चुड़ैल ही है वो। उफ शिवानी नाम है उसका। ये देखो ये चोर। ये देखा, मैंने कहा था ना ये मम्मी की फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड नहीं है, मेरे से कोई लेना देना नहीं है मुझे, है ना। मम्मी की फ्रेंड। तो हम पहुंच गए इसके घर, बाकी अब मैं सूट नहीं करूंगी। तो हम पहुंच गए यहाँ और चाय नाश्ता करके नीचे मैं शरीफ बच्ची बन के अब मैं ऊपर आ गई हूँ। अरे देखो, ये देखो गप्पू को, ये कैसे खेल रहा है, जैसे कि इसको सारी बातें समझ आ रही है। हम क्या बातें कर रहे हैं ना। इसका नाम मैंने रख दिया गोल गप्पे। ये गोल गप्पे। तो अब आ गया है टाइम जाने का। और ये देखो चुड़ैल, इसने मुझे कुछ नहीं खिलाया, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पिलाया। तो खिलाना क्यों था बताओ? मुझे बोला था कल कुछ खा के मत आइयो, खाली पेट आइयो, मुझे तो भूख लग रही है। हाँ, इसे पानी भी नहीं पिलाया, ऐसी ही है। अभी मैं उत्तम नगर होती ना अपनी आंटी के घर, हाँ छोले भाई बहन, में जब भी छोले बनाती ना मुझे आंटी के हाथ के छोले बहुत, हाँ बहुत याद आती है, बहुत कसम से। और जब हम उत्तम, अब मैं अगली बार आऊंगी तो वहाँ मिलेगी, तो आंटी छोले खुद ही बोलेंगी, छोले आंटी छोले बनाना, कसम से छोले की तो मुझे इतनी याद आती है ना आंटी के। चलो बहन बाय बाय, जल्दी। हाँ हाँ, तुम भी आना। आज तो मम्मी ने चुगली करी थी ना मेरी, आज मम्मी शरीफ, आज मम्मी शरीफ मम्मी बनी थी, नहीं तो अगर ये हमारे घर आई होती तो बाय गॉड। देखा इतनी, ये दोनों ऐसे बन के फोन में भी मेरी चुगली करते थे दोनों। अब तो बहुत दिन हो गए आंटी से बात करते हैं। चल बहन आए, ध्यान रखियो। तो हम निकल गए हैं शिवानी के घर से और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत मजा आया, बहुत मजा, बहुत बातें करी हमने। ऐसे ही होता है जब हम बड़े हो जाते हैं, फिर सबकी शादियाँ हो जाती है इधर और फिर सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। अब चलते हैं घर और घर जाके रजाई में घुसेंगे। ये मम्मी ने सही बात बोली। अरे भैया सो गए थे क्या? हाँ जी सो गए थे। सो के आ रहे हो? मैं रोटी खा रही थी अभी, रोटी बना के दे रही हूं। और यहाँ देखो अम्मा आ गई। और यहाँ देखो मैं घर पहुंची नहीं, शिवानी का फोन आया नहीं। हेलो बहन, मैं पहुंच गए हैं। एक बार अतुल को फोन कर लो, आज अतुल से बात नहीं हुई अच्छे से। तो अब हम लोग जा रहे हैं बुआ के घर, अम्मा अभी आ रही हैं हमारे सामने। ये देखो, आओ देखो अम्मा की इतने में कितनी सांस फूल गई है। भाई गॉड यार, बुढ़ापा कितना खतरनाक होता है। अम्मा को डर लगता है पता, लिफ्ट में डर लगता है ना। हाँ मम्मी ये कौन आ गया, देखो हमारे घर। ये देखो चश्मा टूट भी गया इनका। ये मेरी क्यूट सी प्यारी सी बुआ। तो हम पहुंच गए बुआ के घर, ये तो हमें फोन करके बुलाते नहीं, हम खुद ही आ जाते हैं इनके घर। अब चलते हैं नीचे, धूप धूप तो है हल्की फुल्की, बट अब हवा बहुत तेज चलने लगी है। तो चलो चलते हैं नीचे
और नीचे जाके पियेंगे कॉफी। और ये देखो, ये है एक फोटो फ्रेम जो मैंने अपनी मोटू को दिया था। ये है वो मोटू जो अभी यहाँ नहीं है, यहाँ से बाहर है। मोटू गई है डॉक्टर बनने और मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। पहले से हम लोग, मैं कॉलेज से आती थी और वो अपनी कोचिंग से, हम लोग रजौरी गार्डन, राजीव चौक वगैरह मिलते रहते थे। बट अब 2 साल हो गए मैं उससे मिली तक नहीं हूँ। सानू, और आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि सानू की फोटो कहीं भी नहीं है, क्योंकि हम इसको कूड़ेदान में से उठा के लाए थे। मेरे को कूड़ेदान से उठा के लाए तो मेरे को उतना प्यार थोड़ी मिलेगा जितना वही, तो मेरे को खुद से अपने वही ये ना बीच वाली है ना, ये छोटी है ना बड़ी है। प्यार तो पहले बच्चों को मिलता है, ये सबसे छोटे बच्चों को। अब हम जा रहे हैं घर। बाय बिट्टू। देखो कोई ऐसे बोलता अपनी बड़ी बहन से, अभी मेरी बहन होती ना यहाँ, मुझे जाने देती। ये पहले भी ऐसी चिढ़ती थी मुझसे और भानु से, और अभी भी पहले से क्या होता ना, ये वाला जो रूम है ना, ये भानु का रूम था है, और यहाँ हम रहते थे, मैं और भानु ऊपर बेड में सोते थे और इसको हम सुनाते थे नीचे नीचे बेड लगा के। ये बोलती थी रुक जाओ, वर्षा दीदी तो 2 दिन के लाए, ये फिर मेरे पास बताना। ये बहुत चिढ़ती थी वैसे बचपन में हमसे बहुत ज्यादा, है ना, ये अभी भी चिढ़ती है। आलसी इंसान को मिस कर रही हूँ यार मैं। ऐसा क्यों होता है जो हम लड़कियां ससुराल में होती हैं तो मन करता है मायके जब कब जाएंगे, मायके कब जाएंगे, और जब हम यहाँ होती हैं तो मन करता है हम ससुराल कब जाएंगे। बाय गॉड, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है? मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा। मेरा भाई सब्जी लेके आ गया है। हाँ तो जरा उसको, इसको ये तो मेरी इस वाली उंगली का काम है, इस वाली का उड़ा लेना, 1 लाख रुपए जिससे तो कहती इससे उठा दिया तो 1 लाख रुपए कितने देगा? 1 लाख पक्का डन। हे बजरंग बली, दूसरा हाथी लगा रहा है। अच्छा ले, उठा दिया। अब बोलो 1 लाख रुपए बस साइन कर रहा हूँ। हाँ होगी बेइज्जती, हो गई, साइन करके दे रहा हूँ तेरे को। अरे भैया देखो, हो गई इसकी बेइज्जती, फिर से पंगे। कहा था ना इस अंगड़ी का खेल है, बेइज्जती वाली का वादा देता रहूं तेरे को। ला दे, एक कर रहूं, दे रहा हूं, पेन ढूंढ रहा हूं ये। यहाँ सब्जी बना के मैं बैठ गई रजाई के अंदर क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। और देखो कौन आया है। हेलो, कैसे हो सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया सर, आप तो दिन पर दिन इतने बड़े होते जा रहे हो, क्या बात है? कॉम्प्लेंट ज्यादा पी रहे हो क्या? सही कहा आपने। सही कहा मैंने। आज खाने में है मलाई कोफ्ते, गाजर का हलवा जो कि मैंने बनाया है। किसने? मैंने। ये है जो मैंने बनाया है, गाजर का हलवा। बाकी एक बार करते हैं महाराज को फोन। भी क्या कर रहे हो? तो ऐसे आराम फरमा रहे। आपने मेरा वो देखा आज का स्टेटस? देखो जरा। ₹150 देगा। अच्छा लगता है कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, तो मजा आता है ये वीडियोस बनाने में, सब कुछ करने में। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। कल है 4th डे मायके में, फिर 5th, 6th एंड 5th घर वापस अपने। चलो करते हैं ब्लॉग यहीं पे एंड, और मैं करती हूँ गाजर का हलवा इंजॉय, और फिर सोते हैं। बाय।